आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? नहीं नहीं मुझे नहीं मारना, मुझे आपसे डर लग रहा है। महंगाई कर दी तुम लोगों ने? हाँ लोग नहीं आ रहे, ऐसा बार रश नहीं है ना महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत हो। इम्तियाज फिर इसके ना पानी लेके यहाँ से किसी से इसके हाथ धुलवा देना। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारो चांद सितारों, कैसे हैं आप सब जी? तो मेरी वीडियो क्लिप्स देखकर आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि आज मेरी वीडियो किस बारे में है जी। तो मैंने सोचा कि ज़रा बाहर निकला जाए, घर से बाहर देखा जाए कि ईद उल अज़हा की क्या जो है तैयारियां चल रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉल्स पर क्या लगा है। तो चले चलकर देखिए मेरे साथ जी। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर गिजरी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको हर जगह गली मोहल्ले में सड़कों पर ये घास भूस की चारे की दुकानें नज़र आ रही हैं। तो ईद उल अज़हा की फीलिंग्स अब आने लगी हैं, अब लग रहा है कि बहुत करीब हैं दिन। कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि जी कुछ जानवर ही नहीं आ रहे लोगों के यहाँ, और कोई ऐसी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही थी। पर जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, आप देख सकते हैं लोगों का जोशो खरोश यहाँ पर जी जानवरों को नहलाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप सबसे भी गुजारिश है कि अपने जानवरों का ख्याल रखें, इनकी देखभाल करें, इन्हें गर्मी ना लगे, और जी इनकी हिफाजत का तो बहुत ख्याल रखें। बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं जी, जानवर चोरी हो गया, कोई जानवर उठा के ले गया। तो जी अपने जानवरों का ख्याल रखें, उन्हें महफूज जगहों पर बांधें। तो ये तो मैं आपको गिजरी के कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ। गिजरी जो है मेन बाज़ार है, यहाँ पर डिफेंस क्लिफ्टन के सारे लोग आकर जो है वो ख़रीदारी करते हैं। यहाँ पर आपको जो है ईद उल अज़हा से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, गिट्टियाँ हों, टोकरियाँ हों, चटाइयाँ हों, हर चीज़ अवेलेबल है। बाज़ार की रौनकें आप देख सकते हैं, आपको जो है वो फीलिंग्स आ रही होंगी कि जी जगह जगह आपको ईद उल अज़हा से रिलेटेड स्टफ़ नज़र आ रहा है जी। तो मुझे यहाँ से लेना था एक छोटा सा वाटर कूलर अपने सर्वेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पानी का भी ख्याल रखना होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक छोटा कूलर उनके लिए ख़रीद लिया। आप भी अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें, ख़ासतौर पर अपने घर पर काम करने वाले मुलाज़मीन का। तो जी यहाँ पर कूलर मुझे सस्ते दामों मिल गया था, मैंने ख़रीद लिया। अब ये देखिए ये कितनी सारी जो है शार्प नाइफ्स आपको नज़र आ रही है, छुरियाँ, टोके, शोके, पता नहीं कौन सा बकरा इनके नीचे आने वाला है भाई, कौन से जानवर इनसे कटने वाला है। तो मैंने इस स्टॉल पे बैठे बच्चों से कुछ बातचीत की जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि कोई कस्टमर इनके पास आए फिर इनसे ख़रीदारी करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनका स्टॉल खाली पड़ा हुआ था। लोग नहीं आ रहे, इस दफ़ा रश नहीं है ना महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत हो। चलो अल्लाह करेगा एक दिन पहले इंशाल्लाह बहुत काम आएगा तुम्हारा। इसलिए बस स्टॉप की ये ख़ास बात है कि यहाँ हर चीज़ आपको बहुत कम और सस्ते रेट्स पर मिल जाती हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं गीठियाँ और जी सीखें, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, चटाइयाँ भी अवेलेबल हैं। ईद पर जो है बचपन में मुझे बड़ा शौक़ होता था, मैं घर से बाहर जाऊं, गाय बकरे बैलें देखूं और उनके जो है ये सजावट के गहने देखूं। ये देखें कितने खूबसूरत गहने हैं इनके, ये सर पे बांधने के और जी गर्दन पे, कितने खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें हैं, इन्हें इतना खूबसूरती से सजाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर चारा और ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लोग जो हैं इस वक्त तो नहीं है मेरे ख्याल से, या तो वजह गर्मी है या तो फिर महंगाई है। मुझे इस दफ़ा जो है अपने इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत कम जानवर नज़र आए एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर या उससे पिछले, तो बहुत कम जानवर देखने में आ रहे हैं। हालात भी ऐसे हैं, तो बस अल्लाह सब के हालात बेहतर करे, सब की रोज़ी में इजाफ़ा करे। और हमें जो है किसी से पूछना नहीं चाहिए कि आप कुर्बानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अल्लाह जानता है उनके क्या हालात हैं। तो बस ना पूछें ये सवाल किसी से, पता नहीं किसी के घर पे क्या चल रहा होगा। तो जी अब हम आ गए हैं डिफेंस में, और यहाँ आपको मिलेंगे बहुत खूबसूरत खूबसूरत से जानवर। तो चले मैं आपको इन प्यारे प्यारे से जानवरों से मिलवाती हूँ। तो फाइनली हमें जानवर नज़र आ गए। मैं अपने भांजे को लेकर निकली थी कि हम जो है आज जानवर देखने जाएंगे, तो जानवर भी हम देख रहे हैं। आप देखें कि डिफेंस के एक खाली प्लॉट में किसी ने जो है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इनके जानवरों को नज़र से बचाए, बहुत खूबसूरत से जानवर लाके रखे हैं और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप देखिए ये कितनी प्यारी प्यारी सी बैलें हैं, ऊँट भी हैं इनके पास, और राकीन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इनको देखने के लिए और काफ़ी खुश थे काउज एंड कैमल्स देख कर। इनके पास जी छोटे छोटे से बकरे भी थे, तो राकीन को उन बकरों पर बैठना था और राकीन की पूरी कोशिश थी कि वो उस बकरे पर बैठकर राइड लें, लेकिन बकरा जो है वो बकरा ही है, राइड नहीं दे सकता। तो कैमल आप देखें कैमल कितना खूबसूरती से सजाया हुआ है।
हाथ लगा दो हाथ। इम्तियाज फिर इसके ना पानी लेके यहाँ से किसी से इसके हाथ धुलवा देना। जानवर बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो है बच्चे, छोटे बच्चे अगर इनको हाथ लगवाएं तो प्लीज़ आप इनके हाथ ज़रूर धुलवाएं, क्योंकि जानवरों से कॉन्गो वायरस और इस तरह की दीगर बीमारियां लगने का भी ख़तरा होता है। तो सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें। राकिन काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि सोबिया खाला हमें काओ देखने जाना है, सोबिया खाला काओ देखने जाना है, तो मैंने इनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तो हमारे राकिन थोड़े से गंजे हो गए, लेकिन स्टिल ही इज़ लुकिंग वेरी क्यूट। तो प्लीज़ राकिन के लिए एक मोहब्बत भरा कमेंट कर दीजिएगा। ये देखो राकिन, राकिन हाथ लगा दो, बकरा कुछ नहीं बोलेगा, ऐचे ऐचे कर दो। जी तो हम एक और प्लॉट पर चले गए और यहाँ पर आकर तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही निकल रहा था मेरे मुंह से। अल्लाह इन जानवरों को नज़र बद से बचाए और इनके जो मालिकान हैं जिन्होंने इनको ख़रीदा है, अल्लाह उनकी कुर्बानियाँ अपने जो है बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत क्यूट क्यूट से जानवर थे, मेरा दिल आ रहा था इन पर। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो किसी का जानवर देखें ज़रूर माशाल्लाह कहें। ये जो नीचे बैठा हुआ बैल है ना, ये काफ़ी टाइम से मैं इसको नोटिस कर रही थी, ये रो रहा था और इसकी आंख से ना आंसू बह रहे थे। अब देखिए जानवरों की भी फीलिंग्स होती हैं, पता नहीं क्यों ये रो रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जानवर थे इनके पास। जी तो यही तक था आज का ये ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ख़ासतौर पर बच्चों को तो बहुत पसंद आया होगा जिनको जानवर देखने का बहुत शौक है। तो सोबिया आंटी ने आपको जानवर दिखा दिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।